नमस्कार दोस्तों, मैं राज सुथार गुजरात भारत से और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप CNG का काम कर रहे हैं और CNG का ट्यूनिंग वगैरह सर्विस वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें पास में रखनी है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन कौन कौन से CNG के केबल आपके पास होने चाहिए तो आप सभी तरह का काम कर सकते हो। तो वह सारे केबल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे केबल आते हैं और कैसे यूज करना, वो तो आपको वीडियो में मैंने आगे दिखाया हुआ है। तो मैं अभी सबसे पहले आपको केबल दिखा देता हूँ। ये है AEB का केबल, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से ये CNG ECU की साइड लग जाएगा और ये लैपटॉप के अंदर लगेगा। और इस केबल के ऊपर ये वाला आपको पढ़ सकते हो, ये ओनली फॉर AEB का है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है USB वाला AEB मोड, ठीक है, तो ये AEB का है ओनली फॉर। और दूसरा केबल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेरे को, क्योंकि लगभग MP48 और MP32 में भी कहीं कहीं में लग जाता है, बाकी 48 में सभी ECU के साथ AEB के सॉफ्टवेयर के साथ ये लग जाता है, तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है मेरे को, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो एक केबल है, मैं आपको दूसरा केबल दिखा देता हूँ, दूसरा कौन कौन सा केबल लगेगा। तो ये वाला केबल है, आप देख सकते हो, सब में इसी तरह के सेम ही सेम रहेगा, लेकिन ये यूएसबी की टाइप, यूएसबी की साइड लगेगा, यूएसबी मतलब लैपटॉप की साइड, और इसके ऊपर आपको ले दिख रहा होगा, ले लिखा हुआ AEB, ठीक है, लोवाटो और TA200। ये आगे के कैमरे से मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो ये उल्टा लिखा दिखाई देगा आपको, लेकिन इस तरह से TA200 और AEB और ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये चारों के साथ लोवाटो USB डेटा केबल है और लोवाटो AEB TA200 मतलब टोमासीटो के लिए, ठीक है। ये MP32 और लोवाटो में सभी तरह के ECM और टोमासीटो की सभी तरह के ECM के लिए ये जरूरी रहता है, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, देख सकते हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ TA200, ठीक है, और AEB और ये लोवाटो, ठीक है। तो ये AEB 90% सभी के साथ आता ही रहता है, क्योंकि सभी गाड़ियों में AEB वाली तो ECU लगी होती है, कोई कोई में अलग लगती है, ठीक है। तो जो प्रीमियम किट रहती है उसमें अलग रहेगा, बाकी आगे से सभी का सॉकेट एक जैसा ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अंदर पिन में फर्क रहता है, इधर का उधर ऐसे सेटिंग रहता है। तो ये दूसरा केबल था, ये भी आपको रखना जरूरी रहता है। उसके बाद मैं आपको एक और केबल दिखा देता हूँ, ये भी केबल की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो मैं उसको भी रखता हूँ। उसके बाद रहता है ये मेरे पास अलग से एक केबल है, ये केबल थोड़ा लंबा ज़्यादा है तो वो कुछ चार्जिंग में रखता हूँ तो उस टाइम पे काम आ जाता है। और इसके ऊपर लिखा हुआ टोमासीटो वाला केबल, ठीक है, यूनिवर्सल USB इंटरफेस केबल टोमासीटो, ठीक है। तो ये टोमासीटो एक के लिए नहीं है, इस तरह से ये बनाया रहता है, तो ये वाला भाग लग जाता है मेरा, कई कई सारी डिजिट्रॉनिक वगैरह सब में लग जाता है, और MP48 टोमासीटो डिजिट्रॉनिक सभी की गाड़ियों में, 48 43 सभी में ये लग जाता है मेरा, ठीक है। इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ये मैं लगा के अभी यूज भी कर रहा हूँ। तो इस तरह सा केबल आप ला दोगे एक भी तो भी ये भी बहुत सारे में लग जाता है। इसमें लोवाटो एक लोवाटो सभी गाड़ियों में सभी ECU के साथ CNG के साथ लग जाता है। MP4332 के लिए ये वाला सॉकेट लगाता हूँ, बाकी सभी के लिए ये वाला लोवाटो MP4843 सब में ये केबल लगता है, और ये वाला टोमासीटो में सभी में लगता है, और कई सारी डिजिट्रॉनिक वगैरह में लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन केबल थे, और अभी लास्ट केबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको सॉफ्टवेयर मुश्किल से मिलता है BRC का, उसके लिए तो BRC में जवोली में जो ऑनलाइन किट रहती है उसमें किट के अंदर ऑनलाइन ही होती है सारे किट, तो 90% कुछ कुछ में अप्रूवल नहीं आती तो प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ऊपर BRC की रेटी और लोहा गैस, इसके बाद सॉरी जवोली, ठीक है, उसके बाद लोहा गैस नहीं है जवोली और एटी और BRC। तो ये सारे किट के लिए ये एक केबल यूज होती है और एक ही इस तरह से ये छोटा रहेगा, बाकी किट में आप देख सकते हो ये वाला बड़ा सॉकेट रहता है और ये छोटा रहता है, तो इस तरह से इसमें फर्क रहता है। तो मैं ये चार केबल यूज करता हूँ और सभी
सीएनजी सेटिंग के लिए मेरे लिए ये सारे काम आ जाते, कोई कोई किट में काम नहीं आता है, तो उसका ईसीएम पूरा ना होता है या कोई भी अलग सा ईसीएम होता है तो तब काम नहीं आता है, तो उसको छोड़ देते और बाकी का काम करते। तो दोस्तों इतना ही था वीडियो में, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और ये केबल कहाँ से मिलेगा तो वो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो भी रहेगा, ठीक है ना, आपके एरिया में जो भी सीएनजी की बॉटल वगैरह सीएनजी के पार्ट्स बेचता है होलसेल में, उसके पास सभी तरह के सभी केबल मिल जाएंगे, ठीक है। और जहाँ से आप किट लेते हो उसको बोलोगे तो वो किट के साथ केबल मिल जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही था, थैंक यू, मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ।